हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी R5 वर्जन 4 2024 लेटेस्ट लॉन्च है। अभी लेटेस्ट कलर आई है, ठीक है, चेरी रेड, और डार्क नाइट कलर तो पहले से ही था, ठीक है। और भी कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर यहाँ पे खड़ा है, और एक जो R5 एम आती है वो वहाँ पे खड़ी है, वो देखो, ठीक है। सो ऐसा कुछ इसका कंप्लीट डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं आज हम MT15 वर्सेस R5 वर्जन 4। सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके ऑन रोड प्राइस की। MT15 का आपको ऑन रोड प्राइस देखने के लिए मिलेगा इस कलर के अंदर पर्टिकुलर 2,12,000, ठीक है। और यहीं पे आपको R5 वर्जन 4 2,24,000 की देखने के लिए मिलेगी, 24-25 मान लो, ठीक है। कोई सा भी कलर ले लेना आप, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है प्राइस, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी, 1,000 से 2,000 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो भाई देखो, मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, R15 वर्जन 4 खरीदनी चाहिए या MT15 खरीदनी चाहिए, ठीक है। सो अभी बात करते हैं भाई, सबसे पहले देखो सेम एज इट इज़ स्पेसिफिकेशंस है दोनों की, इंजन की भी ले लो, ठीक है। उसमें भी MT15 में भी सेम इंजन है, R15 वर्जन 4 में भी सेम इंजन है। इंजन की बात करूँ तो देखो भाई, MT15 में 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 6-स्पीड गेयरबॉक्स 4-स्ट्रोक 4-वॉल्व इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 1 डाउन बाकी सारे आप गियर सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर, 6-स्पीड गेयरबॉक्स है, सेम एज इट इज़ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। टॉप एंड जो है थोड़ा R15 वर्जन 4 का ज़्यादा है, क्योंकि नेकेड बाइक नहीं है, फुल फेयरिंग बाइक है, आपको थोड़ा सा ट्रैक का फील आता है इसके अंदर, ट्रैक पे जैसे होते हैं गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा झुक के लीन होकर चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको थोड़ा भाई आर्म्स में, बैक में, पीछे थोड़ा शोल्डर्स में, रिस्ट में पेन हो सकता है चलाते समय लॉन्ग राइड्स पे, बट MT15 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि नेकेड बाइक है, आपको बिल्कुल सीधा होकर चलाना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर जो भाई इंजन है सेम है, इसके अंदर भी सेम है, बट इसके अंदर थोड़ा एरोडायनेमिक्स अच्छे हैं, तो ये 140-45 चल जाती है, और यही MT15 135-140 चल जाती है अप्रॉक्स, ठीक है। मतलब 5-10 स्पीड ज़्यादा R15 की रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी इसकी स्पीड, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई टॉर्क की और सब चीज़ों की, पावर आउटपुट की, तो सेम एज इट इज़ है। VVA इसमें भी है, VVA MT15 में भी, R15 वर्जन 4 में भी VVA, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन सेम एज इट इज़, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा R15 वर्जन 4 के अंदर, और इसके अंदर दो मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, स्ट्रीट और ट्रैक, बट MT15 में आपको ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिलेगा जो कि अभी आया है, ठीक है। उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो आप अपने हिसाब से यहाँ से, ठीक है, बट इसके अंदर आप ऑन या ऑफ नहीं कर सकते R15 वर्जन 4 के अंदर अपना ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, ऑफ़ कर सकते हो, बट हाँ ऑफ़ कर सकते हो आप, इसमें भी ऑफ़ कर सकते हो, उसमें भी ऑफ़ कर सकते हो, दोनों में आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफ कर सकते हो। बाकी स्पेसिफिकेशन दोनों की सेम सी है, ठीक है। टायर्स ले लो आप, 17-inch अलॉय व्हील्स इसमें आते हैं, R15 वर्जन में भी 17-inch अलॉय व्हील्स आते हैं, बस सीट जो है थोड़ी सी कंफर्टेबल R15 वर्जन 4 की है, ठीक है, कंफर्टेबल कुशनिंग के हिसाब से, ठीक है। बाकी MT15 की थोड़ी कंफर्टेबल कम है, MT15 पे आप दो ही लोग बैठ सकते हैं, बट इसमें एडजस्ट करके अगर आप इमरजेंसी में जाना है तो तीन भी बैठ सकते हैं, वैसे तो दो ही लोग बैठ सकते हैं, अलाउड होते हैं बैठना, बट आप इसमें तीन कर सकते हैं, बट इसमें आप नहीं कर सकते। इसकी जो पीछे की सीट है बिल्कुल भी भाई कंफर्टेबल नहीं है MT15 की, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, बट इसके अंदर आपको कंफर्टेबल मिल जाएगी, थोड़ी सी कंफर्टेबल मिल जाएगी, उससे तो कुशनिंग तो अच्छी है इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको हज़ार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाएगा, बट MT15 में हज़ार लाइट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो है आपको जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे LED नहीं देखने के लिए मिलते हैं भाई, इसमें हैलोजन इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट आपको MT15 के अंदर जो LED इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आगे पीछे दोनों तरफ, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई, लुक्स के मामले में तो MT15 भी किसी को कम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्मर टाइप लुक है इसका। आगे से फ्रंट से देखो, ये डे टाइम DRLs हैं, DRLs ऑन रहती हैं हमेशा, और ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो कि काफ़ी अच्छा है इससे तो, R15 वर्जन 4 से तो इसका थ्रो अच्छा है, ठीक है। बाकी R15 वर्जन 4 में भाई आपको थोड़ा सा झुक के चलाना पड़ेगा, ट्रैक टाइप फील आएगा आपको, ठीक है। दो मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ट्रैक और स्ट्रीट, बट उनका इतना मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो। देखो मैं ऐसा कहता हूँ भाई, अगर आपको ऑन देखो माइलेज की तो टेंशन लेना ही मत, 40-45 KMPL दोनों का माइलेज सेम सही है, क्योंकि इंजन भी आउटपुट सेम है, तो ऑब्वियसली बात है माइलेज भी सेम ही होगा, ठीक है। सो देखो भाई, मेन चीज़ जो है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ठीक है, सो भाई देखो, लुक्स के मामले में ना R15 वर्जन 4 बहुत ही चीता गाड़ी है, बहुत ही तगड़ी लगती है लुक्स के मामले में, ठीक है। कोई सा भी कलर उठा लो, कोई सी भी उठा लो, ठीक है। आप इसमें थोड़े से मोड्स वगैरह कराओगे ना, आफ्टर मार्केट मोड्स भी आपको खूब मिल जाएंगे। सेम एडजस्टिटीज भाई लुक्स में ये भी कम नहीं है, MT15 भी कम नहीं है, आपको मोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगे। बट भाई मैं फैमिली के हिसाब से अगर बताऊँ आपको, तो भाई देखो, आपको अगर घर वालों से गालियाँ नहीं खानी ना, स्टूडेंट हो आप, ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या ऑफिस में जाते हो, या कहीं पर भी जाते हो, अकेले रहते हो, तो आप R15 वर्जन 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको किसी को भी बैठा के नहीं चलाना या कुछ भी नहीं है, आप तो अकेले रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी निकल जाओगे कभी भी। बट अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, स्टूडेंट हो,
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, घर पे थोड़ा जो बेसिक काम है वो भी आपको करना पड़ता है बाइक से, तो आप भाई MT15 के साथ जाओ, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसमें आप मम्मी पापा सिस्टर किसी को भी बिठा सकते हैं, कोई आपको गालियाँ नहीं देगा, ठीक है। बट अगर आप R15 वर्जन 4 पे मम्मी को बिठाओगे सिस्टर को बिठाओगे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी सीट हाइट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, एक मंजिल ऊपर आपको बैठना पड़ेगा पीछे, ठीक है, पिलियन को। सो आप आगे गाड़ी चलाओगे तो मम्मी बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ना सिस्टर एडजस्ट कर पाएगी, ठीक है। सो आपको पता है भाई घर की कंडीशंस कैसी है, तो उस हिसाब से आप गाड़ी लेके आओ, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वगैरह हो, अकेले नहीं रहते हो, घर के बेसिक काम भी करने पड़ते हैं, तो MT15 लो। बाकी भाई अगर आपको कोई भी काम नहीं है, आप फ्री हो, ठीक है, और आपको मतलब दूर रहते हो घर से, आप स्टूडेंट हो बट दूर रहते हो, सिंगल ही रहते हो, ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स वगैरह साथ रहते हैं, तो आप भाई R15 वर्जन 4 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। सो इतना से एक कंप्लीट सा डिटेल सा रिव्यू था, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस तो है नहीं, भर भर के डिफरेंस मैं कैसे बताऊँ इसके अंदर, क्योंकि है ही नहीं इतनी डिफरेंस तो, ठीक है, जो जितने थे मैंने बता दिया आपको। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और भाई अगर आपको कोई MT15 का रिव्यू देखना तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, R15 वर्जन 4 का देखना तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो आप, ठीक है।